सो लीडरशिप इज नर्चरिंग योर टीम, अपने टीम की नश्मोनुमा करना, उसकी तरबियत करना, उसको इनक्रेज करना और उसके लहू को गरमाना, ज़ौक़े यकीन से, ये लीडरशिप का काम है। एक बालिग शेर में कहते हैं कि गरमाओ गुलामों के लहू ज़ौक़े यकीन से। ज़ौक़े यकीन पे जब मैंने पाकिस्तान में 17 से 21 ग्रेड तक मैंने काम किया है, फेडरल गवर्नमेंट में भी, प्लानिंग कमीशन में भी, मिनिस्टर्स के साथ भी, UN में भी, वर्ल्ड बैंक में भी, आप कहेंगे 25 साल में मैंने कहाँ कहाँ काम कर लिया। मैंने देखा कि अच्छा लीडर टीम को उठाता है, उसकी तरबियत करता है, ज़हनी तरबियत और फिक्री इरतका के नए मरहले शौक पे ले जाता है उसके ऊपर, ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। तो आप जब टीम को नर्चर करते हैं, उसको ज़ौके यकीन देते हैं, ज़ौके यकीन उसको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस का नाम ज़ौके यकीन है यहाँ कि यस यू कैन डू दिस, और वो नामुमकिन करने लग जाती है आपकी टीम। तो मैंने इसके बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं UET लाहौर में, नस्ट में, और आर्मी के मुख्तलिफ जगहों पे, और इवन फेडरल गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन में हसन इकबाल के साहब के साथ मैंने 1 साल काम किया 99 में, और नामुमकिन को मुमकिन करने लग गया उनके साथ एज ए टेक्नोक्रेट, नॉट एज ए पोलिटिकल अपॉइंटी। सो आपका काम क्या है कि अपने ज़ेर नज़र को, अपने जो ज़ेर नज़र से ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, आपके जो सबऑर्डिनेट है, जो आपके ज़ेर नगी हैं, मातहत है, उसको फिक्री इरतका के नए मरहल पे लेके जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ता जाएगा। आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में प्रोफेशनलिज्म इसलिए बढ़ता है कि मेजर कैप्टन को ट्रेन करता है, कैप्टन लेफ्टिनेंट को ट्रेन करता है, लेफ्टिनेंट नीचे सूबेदार, मेजर को डायरेक्शन देता है, जो उसकी एज से डबल होती है उसकी। सूबेदार मेजर की आर्मी में जो एज होती है 50 प्लस होता है, और सेकेंड लेफ्टिनेंट 18 साल का अपने लीडरशिप स्टाइल से उसको कमांड कर रहा होता है। ये आर्मी का तरीका वारदात है जो अल्लाह के फजल से मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है और मज़ीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में। आप उसको बढ़ाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं इस प्रोफेशनलिज्म को? अगर हैं तो चेंज पॉजिटिव और पता चलता जाएगा, और एक स्टेज ये आएगी कि वो आपकी वर्ल्ड रैंकिंग आ जाएगी, नेशनल रैंकिंग के बाद रीजनल रैंकिंग आ जाएगी, साउथ एशिया में आप नंबर 1 हो सकते हैं और होंगे, और उसके बाद फिर आप एशिया में नंबर 1 हो सकते हैं। जापान वगैरह में तो पुलिस में, जापान में रहूँ वहाँ पुलिस नज़र ही नहीं आती थी। मैंने उनसे पूछा पुलिस है क्या यहाँ पे, कहते हैं आपको इंटरनेट पर दबाएंगे तो शायद कोई मिल जाए, लेकिन हमने सिस्टम इतना अच्छा बना दिया पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। जब सिस्टम में आप दे दें सोशल जस्टिस दे दें तो पुलिस की ज़रूरत नहीं रहती।